कटनी जिले में मजदूरों के साथ हुई लूटपाट की खबर को दखल न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसका बड़ा असर देखने को मिला है। और खबर प्रसारण के चंद घंटे बाद ही पुलिस की टीम एक्शन में आई और बदमाशों को धर दबोचा। कटनी का सिविल लाइन इलाका काफी पॉश माना जाता है। वहां एक मजदूर के साथ लूटपाट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी, जिसका वीडियो दखल न्यूज ने अपने चैनल पर प्रमुखता से एक प्रसारित किया और चंद घंटों बाद ही हमारी खबर का बड़ा असर देखने को मिला। और मामले की गंभीरता को तुरंत संज्ञान में लेते हुए एसपी अभिजीत रंजन ने बताया कि कुछ ही घंटों बाद हमने बदमाशों को चिन्हित कर गिरफ्तार कर लिया। वहीं मजदूर से लूटी गई रकम को भी बरामद कर लिया गया। ये मामला कल घटित हुई थी शाम के वक्त में, और इसमें एक मजदूर के साथ जो है छीना झपट की घटना हुई थी, जिसमें 3 या 4 लड़के शामिल थे। उसके बाद पुलिस जो है एक्शन में आ गई और हमने जो है उन बदमाशों को पकड़ लिया है, और उनके पास से मजदूर का जो पैसा है वो भी हमने बरामद कर लिया है। विद इन फ्यू आवर्स, 5-7 घंटे में 8 घंटे में उसको पकड़ लिया हमने, आरोपियों को चिन्हित कर लिया। चिन्हित तो हमने तत्काल ही कर लिया था 2 घंटे के अंदर ही, और फिर रात भर में उसको पकड़ लिया गया। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रुपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।